पर्यावरण और वन, भारतीय संस्कृति और परंपराओं में पेड़ पौधों को बहुत पवित्र माना गया है। तदनुसार सीता, अशोक, कृष्णवट वृक्ष, कृष्ण कदम्ब, बड़, पीपल, नीम, शमी, देसी आम, वरुण, बेलपत्र आदि जैसे सभी पवित्र वृक्ष किसी न किसी क्षेत्र से जुड़े हैं। वर्ष 23-24 में प्रत्येक जिले में लगभग 5 से 10 एकड़ क्षेत्र के जंगल में एक स्थान पर इन वृक्षों के रोपण के भारतीय संस्कृति और परंपराओं में पेड़ पौधों को बहुत पवित्र माना गया है। तदनुसार सीता, अशोक, कृष्णवट वृक्ष, कृष्ण कदम्ब, बड़, पीपल, नीम, शमी, देसी आम, वरुण, बेलपत्र आदि जैसे सभी पवित्र वृक्ष किसी न किसी क्षेत्र से जुड़े हैं। वर्ष 23-24 में प्रत्येक जिले में लगभग 5 से 10 एकड़ क्षेत्र के जंगल में एक स्थान पर इन वृक्षों के रोपण के माध्यम से अमृत वन विकसित करने का प्रस्ताव करता हूं और अगले 5 वर्षों तक इनकी देखभाल की जाएगी जब तक वे उचित वन के रूप में विकसित न हो पाए। शिवधाम सहित सार्वजनिक स्थानों पर नीम, बड़ और पीपल आदि प्रजातियों के वृक्षारोपण से छायादार वृक्ष लगाने का प्रस्ताव है। स्थानीय प्रथाओं और मान्यताओं के अनुसार गांव बणी के रूप में संरक्षित प्राकृतिक वनस्पति के खंड जैव विविधता से समृद्ध है और ग्रामीण बस्तियों के पास कई पौधों की प्रजातियों के उत्पत्ति स्थल के रूप में काम करते हैं। हालांकि जनसंख्या वृद्धि और विकास गतिविधियों में वृद्धि के साथ कई बणियां अब विलुप्त होने के कगार पर है। वर्ष 23-24 में मैं प्रत्येक जिले में जहां भी संभव हो 10 बणियों तक के संरक्षण और कायाकल्प के लिए हरियंका बणी पुनर्वास नामक एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। ऐसी कुल 200 गांव बणियां विकसित की जाएंगी जो गांव को अपनी स्थानीय पारिस्थितिकी के को संरक्षित करने के लिए दीर्घकालिक पर्यावरणीय लाभ और सहायता प्रदान करेगी। मैं वर्ष 2023-24 के लिए पर्यावरण और वन क्षेत्र को 657 करोड़ रुपया आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 29% की वृद्धि है।